राधे राधे। आज मैं आपको नारायण आर्थर सीड्स का पाठ हिंदी में सुनाऊंगी। इस पाठ का एकादशी के दिन सुनने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। अगर आप इसका रोज पाठ एक समय भी करते हैं तो भी इसके अत्यंत चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। तो नारायण आर्थर सीड्सम आर्थर सीड्स की परंपरा में नारायण आर्थर सीड्स का वैशिष्ट्य है, क्योंकि जहाँ इसे कृष्ण यजुर्वेदी परंपरा के उपनिषदों में परिगणित किया गया है, वहीं इसमें चारों वेदों ऋक यजु साम तथा अथर्ववेद का उपदेश सार शिर मस्तक रूप में वर्णित है। इसमें भगवान नारायण से ही सभी की उत्पत्ति तथा सभी रूपों में उन्हीं की अभिव्यक्ति बताई गई है। भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का उपदेश भी इस लघुकाय अथर्वशीर्ष में बताया गया है। इस अथर्वशीर्ष का पाठ करने से चारों वेदों के पाठों का फल प्राप्त होता है। इसके पाठ से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, यह इसकी फलश्रुति में बताया गया है। इस अथर्वशीर्ष के पाठ से अंत में भगवान नारायण का सायुज्य भी प्राप्त हो जाता है। इस महत्वपूर्ण अथर्वशीर्ष को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। सनातन पुरुष भगवान नारायण ने संकल्प किया, मैं जीवों की सृष्टि करूं। नारायण से ही समष्टिगत प्राण उत्पन्न होता है, उन्हीं से मन और संपूर्ण इंद्रियां प्रकट होती हैं। आकाश वायु तेज जल तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, इन सब की नारायण से ही उत्पत्ति होती है। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से रुद्र प्रकट होते हैं, नारायण से इंद्र का जन्म होता है, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से 12 आदित्य प्रकट हुए, 11 रुद्र, 8 वसु और संपूर्ण छंद नारायण से ही उत्पन्न होते हैं। नारायण से ही प्रेरित होकर वे अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं और नारायण में ही लीन हो जाते हैं, यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। भगवान नारायण नित्य हैं, ब्रह्मा नारायण है, शिव भी नारायण है, इंद्र भी नारायण है, काल भी नारायण है, दिशाएँ भी नारायण है, विधि दिशाएँ भी नारायण है, ऊपर भी नारायण है, नीचे भी नारायण है, भीतर और बाहर भी नारायण है। जो कुछ हो चुका है तथा जो कुछ हो रहा है और होने वाला है, यह सब भगवान नारायण ही है। एकमात्र नारायण ही निष्कलंक, निरंजन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध देव है। उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो इस प्रकार जानता है, वह विष्णु ही हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुर्वेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। सबसे पहले ओम इस अक्षर का उच्चारण करें, उसके बाद नमः पद का, फिर अंत में नारायणाय इस पद का उच्चारण करें। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये दो अक्षर है, नारायणाय यह 5 अक्षर हैं। यह ओम नमो नारायणाय पद भगवान नारायण का अष्टाक्षर मंत्र है। निश्चय ही जो भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, वह उत्तम कीर्ति से युक्त हो पूरी आयु तक जीवित हो रहता है। जीवों का आधिपत्य, धन की वृद्धि, गौ आदि पशुओं का स्वामित्व, यह सब भी उसे प्राप्त होते हैं। तदंतर वह अमृत को प्राप्त होता है। अमृत को प्राप्त होता है वह सामवेदीय उपनिषद का कथन है। आत्मा आनंदमय ब्रह्म पुरुष प्रणव स्वरूप है। आ उ मा ये उसकी मात्राएं हैं, ये अनेक हैं, इनका ही सम्मिलित रूप है ओम। इस प्रकार हुआ है, इस प्रणव का जप करके योगी जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की उपासना करने वाला साधक वैकुंठ धाम में जाएगा। यह वैकुंठ धाम विज्ञान घन पुंडरीक, अतः उसका स्वरूप विद्युत के समान परम प्रकाशमय है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भगवान मधुसूदन ब्राह्मण पुंडरीक के सदृश नेत्रों वाले भगवान विष्णु ब्राह्मण अच्युत विष्णु ब्राह्मण संपूर्ण भूतों में स्थित एक ही नारायण देव कारण पुरुष हैं, वही कारण रहित परम ब्रह्म है। यह अथर्ववेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। प्रातःकाल इस उपनिषद का पाठ करने वाला पुरुष रात्रि में किए हुए पाप का नाश कर डालता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किए हुए पाप का नाश कर डालता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय पाठ करने वाला साधक पहले का पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है। दोपहर के समय भगवान सूर्य की ओर मुख करके पाठ करने वाला मानव 5 महापातकों और उपपातकों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। संपूर्ण वेदों के पाठ का पुण्य लाभ करता है। वह भगवान श्री नारायण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है
श्रीमन नारायण का सायुज प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जय हो, जय हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।